हाय गाइस, आज मैं आपके सामने आलू की बहुत ही चटपटी और डिलीशियस सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इसमें ना ज़्यादा मसाला का यूज किया है और बिना टमाटर का ये सब्जी ही बना है फ्रेंड, क्योंकि टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बिना टमाटर के भी आप बहुत चटपटी सब्जी बना सकते हो। तो देख सकते हो ये कितना अच्छा देखने में इसका लुक लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड। तो आलू की चटपटी अगर सब्जी बनानी हो तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये रेसिपी कैसे बनती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अनीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं ये मैंने 250 ग्राम आलू को पहले ही बॉईल कर इसे हाथों से तोड़ लिया है। इसे काटना नहीं है, इसे तोड़ना है। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक और एक प्याज का टुकड़ा को कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई बैठाएँगे, उसमें तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है, आपका जब भी मन करे झटपट ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मैंने हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को कूटा था उसको भी डालकर इसमें भून लेंगे फ्रेंड। और बिना टमाटर की मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, आपके पास अगर हो तो आप डाल सकते हो, मगर बिना प्याज के भी बहुत अच्छा टमाटर का लगता है। तो ये देखिए, मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है और ये है जीरा और मरी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे फ्रेंड। धनिया का क्वांटिटी ज़्यादा रखें, क्योंकि धनिया से ही बहुत ज़्यादा सब्जी, तो धनिया का क्वांटिटी ज़्यादा रखें फ्रेंड। तो ये देखिए, जो मैंने मसाला घोल के रखा था उसे मैं इसमें डालकर अच्छी तरीके से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट इसे भून लेना है धीमी आँच पर। और ये देखिए, मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला लिया है, इसको डाल देंगे, इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी खाने में। ये देखिए, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला है, इसको भी मैं डाल दूँगी। मसाला ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, बस थोड़ा थोड़ा डालना है, 1/4 चम्मच, और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये सब्ज़ी तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, आप बोल रहे होगे कि ये क्या सब्ज़ी दिखा रही हो, मगर कोई बात नहीं फ्रेंड, कभी कभी सिंपल सब्ज़ी भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो इस तरीके से आप आलू की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो। तो देख सकते हैं ये मसाला भून चुका है फ्रेंड, तेल छोड़ दिया है मसाला। तो मैं आलू जो मैंने उबाल के रखा था इसमें अच्छे तरीके से डालकर भून लूँगी। ये सब्ज़ी आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, लंच बॉक्स में ले जाइए या डिनर में खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और तुरंत ही सब्ज़ी बनकर तैयार भी हो जा सकती है फ्रेंड। अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं हो तो आप सोच रहे हो क्या बनाए, तो आप इस तरीके से आलू का सब्ज़ी बनाकर चटपटा खा सकते हो। आप चाहे तो इसे सूखा भी खा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी फ्रेंड। और मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, सभी लोगों में शेयर करें। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, आपको जितना अच्छा लगे उतना पानी डाल सकते हैं या सूखा भी खा सकते हैं, या दोनों तरीके से अच्छा लगता है खाने में। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है उसको भी डाल दूँगी। अब इसको ढककर कम से कम 5 मिनट तक पका लेंगे। देख सकते हैं मेरा सब्जी बहुत अच्छा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड, देख सकते हैं एकदम लटपट सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देख सकते हैं मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, तब आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड। एक प्लेट में इसे सर्व कर लेंगे, आप इसे रोटी चावल के साथ खाइए, झटपटी बन जाने वाली रेसिपी है। तो देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और बिना टमाटर के भी आप सब्ज़ी बना सकते हो फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड कोई नई रेसिपी के साथ। मेरे ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक